इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद है। जानकारी जुटाते हैं आखिर क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर धर्मिंदर सिंह, मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ऐसी कोरोना महामारी में ऐसे क्या ज्ञापन देने की जो आपको आवश्यकता पड़ गई, जो आपको कोरोना महामारी में आना पड़ा? मजबूरन आना पड़ा। आज हमने कोरोना महामारी को देखते हुए, इसका पालन करते हुए 3 मई से ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, मुख्यमंत्री जी से लेकर, DM साहब को भी ज्ञापन दिया, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया, जिन ग्राम पंचायतों में, जिन ब्लाकों में जो गड़बड़ी हुई है, AR और RO के द्वारा साठगांठ कर जब प्रत्याशी जीत गया, जीत घोषित हो गई, उसकी दोबारा काउंटिंग फिर करा दी थी, काउंटिंग फिर जीत हो गई, तीसरी बार में प्रशासन का सहारा लेकर बाहर निकाल दिया और दूसरे प्रत्याशी को हारे हुए को जिता दिया। ऐसे ही जिला पंचायत में वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 28 पर ऐसे ही वहाँ घपला हुआ है। तो हमारा आज जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है और उनको ज्ञापन भी देने आए और माननीय SSP महोदय से भी मिलेंगे। आज हमारा यह निवेदन है उनसे कि जो AR और RO है भ्रष्ट, जिन्होंने साठगांठ करके जो फर्जीवाड़ा किया है, उनके खिलाफ मुकदमा हो और मुकदमा होने के बाद में दोबारा से रिकाउंटिंग होनी चाहिए, जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है, ये हमारी मांग है। काउंटिंग के टाइम पर कहीं ना कहीं एक बंदा या दो व्यक्ति खड़े करे जाते हैं अपने, तो उस टाइम आपको दिखा नहीं? आपको बताया 5-5 वो 6-6 वोटों से उनकी जीत हुई, दोबारा रिकाउंटिंग कराई, उसी समय फिर जीत हुई, तीसरी बार में डंडा मारकर बाहर निकलवा दिया गया विरोध करने पर और दूसरे हारे हुए जितवा दिया, ये हालत हुई है। ऐसा हुआ क्यों? RO और AR की मिली भगत क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? उन्होंने मोटा पैसा लेकर के जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया और जब दो बार रिकाउंटिंग हो गई जिस चीज़ की और क्लियर हो गया, फिर ईमानदारी से उसको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया और हारे हुए प्रत्याशी को जीते हुए को बाहर निकलवा दिया, हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया? ये क्या सच्चाई है? इसका मतलब है मोटा पैसा लिया गया है इन अधिकारियों द्वारा। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त, जो कि ये प्रशासनिक जो बनाए रहे सभी के लिए इसका सबब है। इनको अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम अपने DM महोदय से, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से सबसे निवेदन करते हैं कि हमें इस तरह मजबूर ना किया जाए कि हमें कोरोना काल में या महामारी में कि हमें धरने पर आना पड़े। क्या लगता है आपको सुनवाई होगी आपकी? जी क्या लगता है सुनवाई होगी आपकी? जी हम तो ईमानदारी से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सुनवाई की जाए, क्योंकि ये कहा जाता है ईमानदारी से अगर सुनवाई नहीं होगी तो उसके खिलाफ फिर हम खुद कार्रवाई करने के लिए उतारू रहेंगे। हम किसान यूनियन वाले हैं, ईमानदारी से लड़ने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, चाहे हमारी जान भले ही चली जाए लेकिन हम ईमानदारी से लड़ते रहेंगे, कानून के तहत बराबर लड़ेंगे, यह हमारा। बहरहाल ये ज्ञापन देने आए हैं और जैसे कि इनका साफ तौर से यही कहना, अगर हम मांगें पूरी नहीं की गई तो हम अपनी मांगें अपनी खुद पूरी कराएंगे। सहयोगी मोहित लोधी के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री OPD की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गांव चंदेरू, दहली रोड, बुलंदशहर।